क्रांति दाई स्वीट कुकी किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में केक बनाना सीखेंगे जो कि बनाना बहुत ही आसान है। अगर हमने सारे इंग्रेडिएंट्स सही मात्रा में डाले हैं, केक बहुत अच्छा बनता है। हम केक ओवन में बनाएंगे। ये केक हम विदाउट एग बनाएंगे, इसमें एग बिल्कुल नहीं होगा। और देखते हैं इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट की जरूरत पड़ती है और ये कैसे बनाते हैं। केक बनाने के लिए हम एक बाउल में हाफ कप ये मेल्ट बटर लेंगे, हाफ कप ये चीनी लेंगे। आप बटर की जगह घी का भी यूज कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करना है। एक मिनट इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें 1 कप प्लेन फ्लोर डालेंगे। प्लेन फ्लोर को अच्छे से छन्नी से छान के डालना है ताकि लंप ना पड़े। और इसको मिलाना है, अच्छे से इसको मिलाना है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको आप स्पैचुला की सहायता से भी मिक्स कर सकते हो। ये हम केक एगलेस बना रहे हैं इसलिए हम इसमें सोया मिल्क का यूज करेंगे। सोया मिल्क इसमें एग का और मिल्क का दोनों का ही काम करेगा और केक बहुत ही फ्लफी बनेगा। सोया मिल्क हम इसमें हाफ कप डालेंगे। अब इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। अब हम इसमें 2 ग्राम बेकिंग पाउडर डालेंगे और 1 ग्राम सोडा डालेंगे। इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। अब हम हैंड मिक्सर से इसको मिक्स करेंगे, पर उसके पहले हम 5 ml ये वनीला एसेंस डालेंगे। हैंड मिक्सर की हेल्प से ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। ये केक अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें ड्राई फ्रूट मिक्स डालूंगी जिसमें कि कुछ किशमिश है और सुल्तानाश है। ये आपको सुपर स्टोर के बेकिंग सेक्शन में मिल जाएगा। अब हम इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम एक केक पैन लेंगे, इसमें अच्छे से ऑयलिंग करेंगे। घी या बटर आप किसी भी चीज से ऑयलिंग कर सकते हैं। इसमें ऑयलिंग करने के बाद इसमें प्लेन फ्लोर से डस्टिंग करेंगे। डस्टिंग करने के लिए इस तरह से हम इसको घुमा घुमा करके ये केक पैन में अच्छे से डस्टिंग हो गई है। अब हम इसमें बैटर डालने से पहले ओवन को 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्री हीट होने के लिए रख देंगे। ओवन 180 डिग्री पे प्री हीट हो चुका है। अब हम इस बैटर को इस केक पैन में डाल देंगे। केक का बैटर इस केक टिन में डालने के बाद इसको हम 35 टू 40 मिनट के लिए ओवन पे रख देंगे। अगर केक बैटर की लेयर पतली है तो इसको आप बार बार चेक कर लीजिएगा क्योंकि पतली लेयर वाला केक जल्दी पक जाता है। चलिए इसको ओवन पे रखते हैं। ये केक बहुत अच्छे से बेक हो चुका है। इसको आप देख सकते हैं कि ये कितने अच्छे से बेक हो गया है। अब हम इसको हल्का सा टैप करेंगे
अब इसको पलट के बाहर निकाल लेंगे। अब हम इसको कूल डाउन होने के लिए रख देंगे। 15 से 20 मिनट के बाद हम इसको देखेंगे। ये केक ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें आइसिंग करेंगे। आइसिंग शुगर को हम इस तरह से इस केक के ऊपर डालेंगे। अब ये खाने के लिए रेडी है। अब हम इसे काटेंगे और सर्व करेंगे। देखा आपने केक बनाना कितना आसान है। आप बहुत आसानी से केक घर पर बना सकते हो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। जल्दी ही मिलेंगे नए वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ओम शांति एंड मैरी क्रिसमस।